हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ राज शिवम और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम के बारे में। इसमें आपको 100 बॉडी नेम्स मिलेंगे और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। इस मीनिंग्स को पहले में 50 और अगले में 50। और आपको याद करने की एक सही ट्रिक्स बता दूं, आप जैसे इसमें देख सकते हैं, पहले बाल, फिर सिर, फिर ललाट, उसके बाद दिमाग, फिर मस्तिष्क, उसके बाद कान, स्टेपीज, कनपट्टी, यानी गले से ऊपर की पहले जितनी हमारे अंग हैं हम उनके मीनिंग्स पहले लिख लिए हैं, फिर गले से नीचे की मीनिंग्स लाए, फिर कमर के नीचे की, फिर पेट के अंदर की थोड़ी सी मीनिंग्स, फिर पेट के बाहर की कुछ मीनिंग, फिर पीठ की मीनिंग, उसके बाद कमर से नीचे की सारी मीनिंग। तो ऐसे मैंने याद करने का एक ट्रिक्स भी आपको बता दिया कि आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। और 50 मीनिंग्स इस वीडियो में देख लीजिए कौन कौन से, फिर अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगी। मैक्सिमम मान लीजिए कि एक घंटे में आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। पार्ट्स और बॉडी नेम: एच आई आर हेयर मतलब बाल, एच ई ए डी हेड मतलब सिर, फॉर हेड मतलब लीलार, एफ ओ आर ई एच ई ए डी। अगला है ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, बी आर ए आई एन एम आई एन डी, माइंड मतलब मस्तिष्क, ई ए आर ईयर मतलब कान, एस टी ए पी आई एस, स्टेपीस मतलब स्टेपीस, ये कान की सबसे छोटी हड्डी और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है टेम्पल, टी ई एम पी एल ई, टेम्पल मतलब कनपट्टी, आईब्रो मतलब होंग, ई वाई ई बी आर ओ डब्ल्यू, ई वाई ई बी ए डबल एल, आई बाल मतलब होता है पुतली। अगला है आई लीड, ई वाई ई एल आई डी, आई लीड मतलब पलक, ई वाई ई एल ए एस एच, आई लैस मतलब बरौनी, ई वाई ई आई मतलब आँख, एन ओ एस सी नोज मतलब नाक, नॉस्ट्रिल मतलब नफना, एन ओ एस टी आर आई एल, मुस्टाच मतलब होता है मूछ, एम ओ यू एस टी एस सी एच ई, एल आई पी लिप मतलब होठ, ठीक है। अगला वर्ड है आपके सामने टूथ, टी डबल ओ टी एच, टी डबल ई टी एच, ये सिंगलर है और ये प्लूरल है, एक वचन बहुवचन, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब होता है दांत, टंग मतलब जीभ, टी ओ एन जी यू ई। अगला है आपका जॉ मतलब जबड़ा, जे ए डब्ल्यू, जॉ मतलब जबड़ा, एस एन ओ यू टी, स्नाउट मतलब थुथुन, माउथ मतलब मुंह, एम ओ यू टी एच, सी एच डबल ई के चिक मतलब गाल, बी ई ए आर डी बियर्ड मतलब दाढ़ी, सी एच आई एन चिन मतलब होता है ठुड्डी। अगला वर्ड है गम, जी यू एम, गम मतलब होता है मसूड़े, ब्रेड मतलब चोटी, बी आर ए आई डी। अगला है विस्कर्स मतलब गलमुच्छा, डब्ल्यू एच आई एस के ई आर एस, ठीक है ना। अगला वर्ड है थ्रॉट मतलब गला, टी एच आर ओ ए टी, थ्रॉट मतलब गला, एन ई सी के नीक मतलब गर्दन, और जी यू डबल एल ई टी गलेट मतलब नरेटी। यहाँ तक आप सिर्फ गले से ऊपर तक की मीनिंग पढ़ रहे थे, अब गले से नीचे आते हैं। सी एल ए वी आई सी एल ई क्लेविकल मतलब हंसली, ए डबल पी एल ई एप्पल मतलब टेटुआ, एस एच ओ यू एल डी ई आर शोल्डर मतलब कंधा, कोनी ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो मतलब कोनी, ए आर एम आर मतलब बाँह, ए आर एम पी आई टी आर्म पिट मतलब कोख, रिस्ट डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट मतलब होता है कलाई। अगला है आपके सामने फिस्ट, एफ आई एस टी फिस्ट मतलब मुट्ठी, टी एच यू एम बी थम मतलब अंगूठा, एफ आई एन जी ई आर फिंगर मतलब उंगली, इंडेक्स फिंगर का मतलब तर्जनी उंगली, आई एन डी ई एक्स, एफ आई एन जी ई आर, एम आई डबल डी एल ई, एफ आई एन जी ई आर मिडिल फिंगर का मतलब होता है मध्यिका उंगली, बीच वाली उंगली। अगला है रिंग फिंगर, आर आई एन जी एफ आई एन जी ई आर, रिंग फिंगर मतलब अनामिका उंगली, लिटिल फिंगर एल आई डबल टी एल ई एफ आई एन जी ई आर, लिटिल फिंगर मतलब कानी उंगली, पी ए एल एम पाम मतलब हथेली, सी एल ए डब्ल्यू क्ला मतलब होता है पंजा, एन ए आई एल नेल मतलब होता है नाखून। इसके सामने इसके बाद आप देख सकते हैं ये वर्ड्स मीनिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।